हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन, आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ विद एन अदर न्यू वीडियो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसमें बहुत दिन हो गए किसी हेयर स्टाइलिंग टूल के बारे में मैंने बात नहीं की। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा स्ट्रेटनर जो है उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो का टॉपिक है उसमें मैं आपके साथ कैमी के प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर का जो है रिव्यू शेयर करूँगी। सबसे पहले आप देखाएं कि किस तरह से ये बालों को स्ट्रेट करता है और क्या प्रोसीजर है स्ट्रेटनर का, तो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जाकर आप देखाएं, फिर चल के जो है इसके स्ट्रेटनर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बाल अभी फुल वेवी हैं। तो यहाँ पर मैं कैमी के स्ट्रेटनर को जो है वो हीट अप कर लेती हूँ, ऑन कर लेती हूँ। अभी आपको शो करवा रही हूँ कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज क्या क्या है, वो सब डिटेल में जो है वो मैं आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। तो कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्ट्रेटनर जो है हमारा गर्म हो चुका है, 220 डिग्री पर जो है वो मैंने इसको हीट अप किया है। उसके अलावा मैं थोड़े थोड़े बाल लेकर जो है वो स्ट्रेट करूँगी। थोड़े से बाल आपको यहाँ पर मैं स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर है। अगर अच्छे से आप बालों को स्ट्रेट करें तो बहुत ही सिल्की स्मूथ तरीके से जो है वो आपके बालों को स्ट्रेट करता है। मेक श्योर कि आप कोई भी स्ट्रेटनर यूज़ करें, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जो है वो लाजमी अप्लाई करें। तो ये तो आपने देख लिया कि कितने अच्छे तरीके से आपके बालों को स्ट्रेट करता है। मैंने ज़्यादा डेड स्ट्रेट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए होता है अपने बालों में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा कम स्ट्रेट किया है। आप अगर टाइम लगा के और दिल लगा के स्ट्रेट करेंगे तो काफ़ी अच्छे स्ट्रेट होंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करते हैं। पैकेजिंग जो है वो सिंपल इस तरह की जो है वो कार्डबोर्ड की इसकी पैकेजिंग है। साइड्स पहले भी मैंने कैमी के एक हेयर स्ट्रेटनर का जो है वो रिव्यू शेयर किया था, उसका मॉडल नंबर क्या था मुझे याद नहीं है। अब इसका जो है वो मॉडल नंबर है KM471। ठीक है, KM471। उसके बाद फास्ट रेडी यानी कि 30 मिनट्स में ये हीट अप हो जाता है। उसके अलावा 2 डिग्री सेल्सियस हीट जो है, यानी कि आप इसकी हीट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 220 है, 200 है, 180 और 160 जो है ये इसके टेम्परेचर इन्होंने यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके अलावा नैनो सिल्वर है, टेम्परेचर कंट्रोल है, सिरेमिक लॉन्ग कॉर्ड है। कॉर्ड की कितने सेंटीमीटर है ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। उसके अलावा काफ़ी अच्छा पिंक कलर की जो है वो है। उसके अलावा अगर बात करें तो रोड जो है वो कितने सेंटीमीटर है, अगेन इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी लंबी रॉड है। ठीक है, उसके अलावा इस तरह से जो है ये पिंक कलर का जो है वो स्ट्रेटनर है। अभी थोड़ा सा जो गर्म है मैंने यूज़ किया है। उसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल है यहाँ पर जो है, जब ये पावर ऑन होता है तो ये वाला जो है वो बटन जो है वो इसका लाइट अप हो जाता है। ये जो है बटन, इससे हीट कंट्रोल होती है इसकी। ठीक है, 220 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो आप हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये जो प्लेट्स हैं इसकी काफ़ी अच्छी जो है, ठीक है, ईज़िली जो है वो काफ़ी अच्छा आपके बालों को स्ट्रेट करता है। ये अभी गर्म है, मैं इसको हाथ में ही लगा रही हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छी इसकी प्लेट्स हैं जो आपके बालों को बहुत ही स्मूथली जो है वो स्ट्रेट करती हैं और एक शाइन प्रोवाइड करती है। रेगुलर यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। मार्केट में आपको इजीली ये 2200 से 2500 की रेंज में, यानी कि 2500 तक जो है ना मार्केट में ईजीली आपको अवेलेबल है। फिर से इसका बताते चलूँ, KM471 जो है इसका मॉडल नंबर है, कैमी का ये हेयर स्ट्रेटनर है। काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल है, उसके
अलावा हमारी टीनेजर्स गर्ल या काफ़ी अच्छे आपके बालों को ना प्रोवाइड करता है स्ट्रेट लुक। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट कैमी के हेयर स्ट्रेटनर का। होपफुली यू गाइस लाइक इट। अगर आपने इसको पसंद किया हो मेरी वीडियो को तो मेक श्योर आपने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।